नमस्कार किसान साथियों साथियों, आज हम आए हैं ड्रैगन फ्रूट के इस फार्म पर। आज हम जानेंगे आखिर ड्रैगन फ्रूट क्या है और इसकी वैज्ञानिक खेती कैसे करें तथा ड्रैगन फ्रूट की खेती से कैसे लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। किसान साथियों, बात करते हैं ड्रैगन फ्रूट की तो इसे हम पिताया फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। इसे साउथ अफ्रीका में सुपर गोल्ड फ्रूट के नाम से जानते हैं, क्योंकि किसान साथियों ड्रैगन फ्रूट के जो फूल होते हैं वो रात्रि के समय ही खिलते हैं, इसीलिए क्वीन ऑफ नाइट के नाम से भी जानते हैं। किसान साथियों, ड्रैगन फ्रूट का पौधा एक बार रोपाई करने के बाद 20 से 25 साल तक फल देता रहता है। एक फ्रूट का वजन 100 से 300 ग्राम के लगभग होता है तथा 200 से 400 रुपये प्रति केजी की दर से इसके फ्रूट मार्केट में बिकते हैं। किसान साथियों, ड्रैगन फ्रूट के प्रकार। साथियों, ड्रैगन फ्रूट तीन प्रकार के होते हैं, वाइट ड्रैगन फ्रूट, रेड ड्रैगन फ्रूट, येलो ड्रैगन फ्रूट। किसान साथियों, अब बात करते हैं ड्रैगन फ्रूट के लिए आवश्यक जलवायु। साथियों, ड्रैगन फ्रूट एक उष्ण जलवायु वाला पौधा है, इसलिए इसे 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है तथा बहुत ज़्यादा सूर्य का प्रकाश इसके लिए अच्छा नहीं रहता है। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी के बारे में। किसान साथियों, वैसे तो ड्रैगन फ्रूट की खेती हम सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन रेतीली मिट्टी जिसका पीएच मान 5.5 से 7 हो इसके लिए अच्छा रहता है। अब बात करते हैं किसान साथियों बीज की। किसान साथियों, इसकी खेती बीज और कलम दोनों तरह से ही हम कर सकते हैं, परंतु कृषि वैज्ञानिकों की माने तो बीज के बजाय कलम लगाना अच्छा रहता है, क्योंकि बीज वाले पौधों में 5 साल में फल फूल आना शुरू हो जाते हैं तथा कलम वाले पौधों में लगभग 1 से 1.5 साल में ही फल फूल प्राप्त हो जाते हैं। किसान साथियों, अगर हमें ड्रैगन फ्रूट से अधिक पैदावार लेनी है तो जो कलमें लगानी हैं वो 20 सेंटीमीटर से लंबी होनी चाहिए तथा 2 साल पुरानी होनी चाहिए। अब बात करते हैं किसान साथियों ड्रैगन फ्रूट के पौधों की रोपाई के बारे में। चूँकि किसान साथियों, ड्रैगन फ्रूट एक कैक्टस प्रजाति का पौधा है, यह बिना सहारे के ऊपर नहीं चढ़ जाता है, इसलिए गर्मी के दिनों में हमें सीमेंट के कंक्रीट 8-8 फीट की दूरी पर हमारे खेत में गड्ढे खोद के रोप देनी है तथा प्रत्येक पोल के चारों तरफ 4 पौधे लगाए जाते हैं। इस प्रकार किसान साथियों, एक बीघे में लगभग 100 से 175 पोल लगेंगे और प्रति पोल में 4 पौधे लगेंगे तो एक बीघे में लगभग 500 से 600 पौधे की आवश्यकता पड़ेगी। अब किसान साथियों, खाद और उर्वरक। अच्छी वृद्धि के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद अच्छा रहता है। प्रत्येक पौधे में अच्छी वृद्धि के लिए 20 से 25 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। इसके अलावा 40 ग्राम नाइट्रोजन, 90 ग्राम फास्फोरस और 70 ग्राम पोटास हमें प्रति पौधा देना चाहिए। अब किसान साथियों, बात करते हैं तुड़ाई की। इसका पौधा 18 माह में फल देना शुरू कर देता है। पौधों में मई से जून के महीने में फूल आने लगते हैं और अगस्त से दिसंबर तक फल आ जाते हैं। फूल आने के एक महीने बाद ड्रैगन फ्रूट के फलों को तोड़ा जा सकता है। पौधों में दिसंबर तक फल आते रहते हैं। इस अवधि में एक पेड़ से कम 6 बार फल तोड़ सकते हैं। फल तोड़ने लायक हुए या नहीं इसका पता फलों के रंग को देखकर लगाया जा सकता है। कच्चे फलों का रंग गहरे हरे रंग का होता है, जबकि पकने पर इनका रंग लाल हो जाता है। रंग बदलने से 3 से 4 दिन के अंदर फलों को तोड़ लेना चाहिए, लेकिन अगर फलों को निर्यात करना हो तो फलों को रंग बदलने के एक दिन पूर्व ही तोड़ लेना चाहिए। किसान साथियों, ड्रैगन फ्रूट के फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बहुत सारी बीमारियों में कारगर होता है और ड्रैगन फ्रूट में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसलिए हृदय जैसी बीमारियों के लिए रामबाण होता है। तो साथियों, अगर आपने हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।